गाइस आज हम लोग आए हैं भोपाल में। भोपाल में ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे गो कार्ट, ई कार्ट और रेसिंग कार्ट आप बोल सकते हैं या गोल्फ कार्ट भी यहाँ पे बनता है। तो अभी हमारे साथ में जो है कोशिक मोटर्स के कुणाल भाई हैं, इनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या क्या चीजें बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो कुणाल भाई, यहाँ पे क्या क्या चीजें बनता है? हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट के लिए और प्रोफेशनल के लिए गो कार्ट, गोल्फ कार्ट, ई कार्ट और सारे प्रोडक्ट और उसका जो पार्ट्स होता है हम दोनों लोग बनाते हैं। जैसे इसमें इंजन और टायर्स हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं या मैन्युफैक्चर जो परचेज करते हैं, और बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं हम लोग सारे यहीं पे बनाते हैं। बेसिकली मोटर स्पोर्ट्स का जो भी व्हीकल होता है हम लोग वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और जो प्रोफेशनल होते हैं उसके लिए भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा, मींस कहना मतलब आप यहाँ पे अगर लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है तो उस हिसाब से कस्टमाइज भी करते हैं। हाँ। और आपका खुद का पहले से भी अगर किसी को चाहिए तो वो भी आप देते हैं? हाँ, वो भी देते हैं। जैसे कस्टमर अपना डिजाइन बोलता है या जो भी वो एडिट करता है डिजाइन में, हम उसके एडिट को फिर पहले डिजाइन करते हैं फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर उनका डिजाइन सही रहता है तो वो भी सही, हमारा जो स्टैंडर्ड डिजाइन रहता है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये क्या बन रहा है अभी, ये जो सामने जो बन रहा है ये? अच्छा, ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट है। अच्छा। ये जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट बना अपना डिजाइन देते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोग डेवलप करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग में हम हेल्प करते हैं। बेसिकली क्या होता है, वो लोग ये जो रेसिंग पर्पज या जो भी इवेंट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं उसमें यूज होता है। अच्छा। तो ये स्टूडेंट के लिए बनाओ वो ही बनाते हैं, हम सिर्फ उनको मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप पूरा गाइडेंस देते हैं, मशीनरिंग जो रहता है आप उनको हेल्प करते हैं। हाँ। मींस अच्छा, अगर कोई भी अगर चाहे अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो वो आप यहाँ पे आके बना सकते हैं, आप उसको मदद कर सकते हैं। हाँ, स्टूडेंट का अपना डिजाइन होता है, हम लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं। जो मैसेंजर क्या वो डिजाइन देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओके, और भी ये सब पीछे क्या बन रहा है अभी, ये सभी चीजें ये गोकार्ट ही है? ये फर्क क्या है सभी चीज में? ये गोकार्ट है, ये रिसोर्ट्स में मेनली चलता है। ये गाड़ी अभी बनी है रिसोर्ट्स के लिए। अच्छा, ये डबल सीटर है? ये डबल सीटर है। इसमें अलग अलग आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डबल सीटर भी आती है और ये पेट्रोल भी आती है। तो हम लोग के अभी ये पेट्रोल वाली है, लेकिन जो कस्टमर बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, अगर किसी को ये इलेक्ट्रिक में भी चाहिए, अगर उसको उसका अपना पावर हो कि भाई मुझे इतना पावर चाहिए, इसमें इतना रेंज चाहिए, वो भी आप इसमें कस्टमाइज करके दे देंगे? हाँ, उसके अकॉर्डिंग देते हैं। जैसे कोई कस्टमर रिक्वायरमेंट मारता है कि 2 किलोवाट का चाहिए, 3 किलोवाट का चाहिए, या जो स्पेसिफिकेशन देता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और कस्टमाइज करते हैं। अगर उनका अपना डिजाइन रहता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं। अच्छा, तो ये जो है अभी ये पेट्रोल से ऑपरेट होता है? हाँ, ये पेट्रोल ऑपरेटेड इंजन है। इसमें अभी ये 160 सीसी की इंजन है। अच्छा। और उसमें अगर कस्टमर जो भी बोलता है, जैसे 200 सीसी का बोलता है या 150 सीसी का, जो भी बोलता है तो उसके कस्टमर के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। अच्छा, अभी इसकी टॉप स्पीड क्या रहती है? इसकी टॉप स्पीड रिडक्शन गियर बॉक्स के अकॉर्डिंग होती है। मिनिमम इसका 40 से स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम जो भी हम रिडक्शन गियर बॉक्स लगाते हैं और सीसी लगाते हैं तो मैक्सिमम स्पीड 200 और 240, 250 तक जाती है। अच्छा, और ये इलेक्ट्रिक वेरिएंट है? हाँ, ये आप देख सकते हैं इसमें। अच्छा, इन दोनों में मेजर कोई डिफरेंस रहता है कि किस चीज़ का फर्क रहता है? जैसे वो पेट्रोल इंजन है, ये इलेक्ट्रिक है, तो बॉडी में भी मेकिंग में इसके चेसिस में कुछ फर्क रहता है कि सब सेम रहता है? नहीं, फर्क रहता है। जैसे चेसी मेकिंग में फर्क होती है, जो इसमें ये हैवी वेट के लिए, जैसे इस बैटरी होता है हैवी वेट के लिए तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेसी बनाते हैं। अच्छा, और उसमें वो लाइट वेट सिर्फ इंजन का वेट आता है तो उसके लिए हम वो लाइट वेट चेसी बनाते हैं। अच्छा, तो ये भी इलेक्ट्रिक है, पूरा इलेक्ट्रिक है? हाँ, ये फुल्ली इलेक्ट्रिक गाड़ी है। अच्छा, कितने किलो वाट का है ये? इसमें अभी 2 किलो वाट मोटर लगा हुआ है। अच्छा, हाँ, तो इसमें 2 किलोवाट के मोटर में स्पीड कितना मिल जाएगी हमें? 2 किलोवाट में आपको 50 से 60 तक की स्पीड रहती है। ओके, अगर किसी को इंक्रीज करना हो तो आप उसके लिए रिडक्शन गियर बॉक्स और मोटर का जो पावर रहता है हम लोग वो इंक्रीज कर बदल देते। तो गाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाते वक्त अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो होता है आपकी पीसीबी। आपकी पीसीबी जितनी ज्यादा बेस्ट होगी उतना प्रोजेक्ट आपका बेस्ट बनेगा। तो आज जो मैं आपको वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोस्ट ट्रस्टेड पीसीबी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है एल्टियम डिजाइनर। आप जो इससे काफी आसानी से पीसीबी डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसका इंटरफेस जो काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, और तो और इनके पिछले 35 साल की इनोवेशन और डेवलपमेंट के बाद में आज जो है इनका सॉफ्टवेयर वर्ल्ड का मोस्ट ट्रस्टेड पीसीबी डिजाइनिंग सिस्टम है। तो इससे जो है आप पीसीबी की छोटी से छोटी डिटेल को एनालाइज कर सकते हैं। तो जो कोई भी इंटरेस्ट है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को भी बाय करना चाहते हैं तो हंड्रेड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर एंड थाउजेंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर आपको जो है वोक्ता पार्ट्स में मिल जाएंगे। तो वहां पर जाके आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को परचेज कर सकते हैं। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, फटाफट जाके आप चेक करें। और ये जो दो है ये दोनों सेम है कि इसमें कुछ अलग है? नहीं, ये मॉडल अलग है। आपको हम आइए दिखाते हैं। ये हमारी मॉडल कोशी किंग, इस मॉडल का नाम है। ये क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट है ये। अच्छा, ये 212 सीसी की इंजन है, इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट है और नॉर्मल स्टार्ट भी इसमें होती है। इलेक्ट्रिक मींस सेल्फ स्टार्ट ना? सेल्फ स्टार्ट। अच्छा, मींस अच्छा ये, और ये जो आपने दिखाया था डबल सीटर, ये सेल्फ नहीं था? हाँ, ये उसमें सेल्फ नहीं, मैनुअल स्टार्ट है, रोप स्टार्ट। ओके, मींस अगर किसी को सेल्फ चाहिए तो आप सेल्फ भी करके देते हैं? हाँ, अगर किसी को सेल्फ चाहिए तो हम सेल्फ भी देते हैं, और जो मैनुअल चाहिए तो मैनुअल। बेसिकली क्या होता है, प्राइस का डिफरेंस होता है, तो कस्टमर क्या करते हैं, इसकी प्राइस हाई रहती है और उसकी प्राइस कम रहती है, तो इसलिए कोई सेल्फ स्टार्ट कोई मैनुअल स्टार्ट, दोनों ऐसे बोलते हैं। अच्छा, प्राइस का कैसा रहता है अभी, मतलब अच्छा वो तो रिक्वायरमेंट पे होगी, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट, जैसे कस्टमर बोलते हैं रिक्वायरमेंट, जैसे उनको चाहिए अगर सेल्फ स्टार्ट चाहिए या रोप स्टार्ट चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बना के देते हैं उनको। अच्छा, मिनिमम बजट में अगर किसी को एक गो कार्ट बनाना हो तो उसका कॉस्टिंग कितना जाएगा? जैसे अगर स्टूडेंट प्रोजेक्ट में बनाते हैं, स्टूडेंट प्रोजेक्ट में अगर पार्ट का है तो 60 से 70 हज़ार में पार्ट्स आ जाते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ओके, अगर हम लोग बना के देते हैं और वो पूरी कंप्लीट गो कर देते हैं तो स्टार्टिंग प्राइस 1,40,000 से होती है। ओके, ठीक है। सिंगल सीटर गो कार, उसमें मैनुअल वाली, अगर हम सेल्फ लेते हैं तो 1,50,000 से 1,60,000 से ऐसे स्टार्ट होती है। तो मैं इंजन की कॉस्ट बात करूँ तो इसकी सिर्फ इंजन की कॉस्ट कितनी जाती है? ये इंजन की कॉस्ट आप बता, अगर सेल्फ स्टार्ट की है तो 20 से 22 हज़ार के आसपास सेल्फ स्टार्ट इंजन की आ जाती है। ओके, इंजन का प्राइस लगभग 22-25, 20 से 22 हज़ार के आस, 15-25 रखिए कि सेल्फ स्टार्ट इंजन है। अगर आप मैनुअल रहते हैं तो 17,500 से स्टार्ट होती है। अच्छा, ये 17,500 से स्टार्ट होती है कोई भी इंजन। अच्छा, उसमें जो माउंटिंग पॉइंट होते हैं सारे में सेम होते हैं। ओके, मींस सबके माउंटिंग सेम रहते हैं, उसमें चाहे भले आप मोटर फिट करो या इंजन फिट करो। हाँ, इसमें सारे जो माउंटिंग पॉइंट होते हैं सारे हम एक जैसे देते हैं। कभी इंजन अगर किसी को चेंज करना हो तो इंजन वाला तो वो चेंज कर सकता है इलेक्ट्रिक में। ओके, मींस कोई भी डायमेंशन का वो ये इसमें इंजन लगाया तो उसका माउंटिंग का कोई इशू नहीं है? माउंटिंग का कोई इशू नहीं आएगा। ओके, कभी भी किसी के इंजन को चेंज कर। ये क्या है, ये अलग है कि ये भी सेम है? ये दोनों सेम है, दोनों सेम है। हाँ, ओके। इसके अलावा और भी कुछ बनाते हैं आप? इसके अलावा हम लोग जो पार्ट्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं वो पार्ट्स और मतलब जो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई भी उनको नया अपना डेवलप करना तो उनके लिए हम उनके लिए डिजाइन करते हैं डेवलपमेंट। ओके, मींस अभी जो है ये सारे ऑर्डर पे हैं? ये सारे ऑर्डर्स पे हैं। मींस जैसे जैसे जो जो कस्टमर का जिस हिसाब से ऑर्डर आता है उस हिसाब से आप उनको कस्टमाइज़ करके देते हैं जी। अच्छा, और बेसिकली आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए। तो यहाँ पे बाहर भी काफ़ी सारे गो कार्ट मिलते हैं, और उसमें और आपके में कुछ फ़र्क है क्या, ऐसे कुछ देखने जाए तो? बाहर में हमारे में क्या है ऐसे, क्योंकि हम लोग क्या है तो हम लोग क्वालिटी पे काम करते हैं मेनली। अच्छा। और जो हमारी चेसी मैन्युफैक्चरिंग है और जो भी जो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग है, आज तक कोई भी मतलब 1 साल जो वारंटी देते हैं और उसके बाद भी जो सर्विस रहती है इसमें कोई भी डैमेज रिपोर्ट आज तक नहीं हम लोग के पास आया है। ओके, मींस अभी तक आपने जितने भी पीस लोगों को बना के दिए हैं उसमें अभी तक किसी की कोई शिकायत नहीं आई कि सर ये खराब हो गया, ये डैमेज हो गया, ये फिर खराब आपने दे दिया, ऐसा कुछ नहीं आया अभी तक? अगर जैसे ट्रांसपोर्ट में कोई चीज़ मिसिंग होती है या कोई चीज़ खराब हो जाता है हम लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट देते हैं। ओके, ये हम लोग जैसे कस्टमर तक जब तक पहुँचता नहीं तब तक हम लोग का जिम्मेदारी रहती है कि कस्टमर तक सही सलामत पहुँच जाए, क्योंकि हम लोग को 1 साल की वारंटी है तो उसमें जो भी पार्ट्स अगर ख़राब भी होते हैं तो हम लोग जाके ऑन साइड उसको रिप्लेस देते हैं और जाते हैं। मींस और अगर किसी को स्पोर्ट कार के रिगार्डिंग या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसमें आपके साथ में मिलके बना सकते हैं ऐसा? जैसे किसी को स्पोर्ट्स कार या कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उनको हम मैन्युफैक्चरिंग में पूरी हेल्प करते हैं। अगर उनके डिज़ाइन में मैन्युफैक्चरिंग में पूरी हेल्प करते हैं, वो यहाँ पर हम डिज़ाइन करेंगे, उनके सामने मैन्युफैक्चरिंग करवाएँगे और उनको ट्रेनिंग भी देंगे।